नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको जीवन पर एक ब्यूटीफुल इंस्पिरेशनल शॉर्ट स्टोरी बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जीवन में चीजों के आगे पीछे दौड़ना कॉमन है, लेकिन क्या हम किसी चीज से दूर भाग रहे हैं या हम किसी चीज की ओर भाग रहे हैं? इनफैक्ट, क्या हमें वास्तव में जीवन में किसी चीज को चेज करने की जरूरत है, और ऐसा करके हम जीवन में कुछ पा रहे हैं या खो रहे हैं? इस कहानी के माध्यम से हम इन प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे, तो इसलिए इस वीडियो के अंत तक स्टे ट्यून्ड। एक बार राजू नाम का एक युवा लड़का था जो स्पोर्ट्स खेलता था और हमेशा सक्सेस का भूखा था। उसके लिए जीत ही सब कुछ थी और सक्सेस सिर्फ जीतने से मापी जाती थी और किसी चीज से नहीं। एक दिन वो गांव के गवर्नमेंट टीचर रमाकांत द्वारा आयोजित एक रनिंग कॉम्पिटिशन के लिए खुद को तैयार कर रहा था। वो ग्रामीणों के बीच फेमस था और उसे दौड़ते हुए देखने के लिए उसके गाँव में एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। रेस में वो खुद और अन्य 5 युवा लड़के कम्पीट करने के लिए थे। राजू के लिए रेस में प्रथम आना सब कुछ था। रेस शुरू हुई, भीड़ ने उसके लिए चेयरिंग करना शुरू कर दिया। ये रेस बहुत ही कॉम्पिटिटिव लग रही थी, लेकिन राजू ने हर दूसरे लड़के से आउट परफॉर्म किया। उसकी डिटर्मिनेशन और स्ट्रेंथ को देखकर भीड़ पागल हो गई और राजू के लिए खुश हो रही थी। राजू खुश लग रहा था और अभी भी एनर्जी से भरा हुआ था। राजू शिक्षक रमाकांत के पास गया और पूछा, क्या कोई और है जो उसके साथ कम्पीट करना चाहेगा? 2 नए युवा और फिट चैलेंजर्स राजू के साथ दौड़ने के लिए आ गया है। रेस शुरू हुई और निश्चित रूप से राजू अनबीटेबल था और एक बार फिर सबसे पहले पूरा कर दिया। भीड़ ने फिर से थ्रिल्ड किया और राजू को खुश किया, उसके लिए हाथ लहराया, लेकिन शिक्षक ने कोई सेंटिमेंट व्यक्त नहीं किया। राजू शिक्षक के एक्सप्रेशन से खुश नहीं था, जबकि पूरे गांव वाले उसके लिए चीयरिंग कर रहे थे और उसके रेस जीतने के लिए खुश थे, लेकिन शिक्षक ने कोई खुशी नहीं दिखाई। अब भीड़ एक और रेस के लिए विनती करने लगी और राजू ने सभी को पंप्ड अप किया और ऊर्जा से भर दिया। उसके लिए जीतना सब कुछ था और वो खुश था, एक और रेस के लिए तैयार था। इस अंतिम रेस के लिए रमाकांत जी 2 नए कॉम्पिटिटर्स के साथ आगे आए और चैलेंजर्स एक बूढ़ी औरत और एक अंधा आदमी था। भीड़ साइलेंट हो गई और राजू भ्रमित हो गया। रमाकांत जी ने उससे कहा कि तुम इतने भ्रमित क्यों दिखाई दे रहे हो, दौड़कर आगे आओ और मुझे दिखाओ क्या तुम ये रेस जीत सकते हो। दौड़ शुरू हुई और राजू फिर से पहले स्थान पर था और अन्य 2 चैलेंजर्स ने मुश्किल से 3-4 कदम आगे बढ़ाए और वे फिनिशिंग लाइन से अब भी बहुत दूर थे। इसमें राजू परेशान नहीं हुआ, वो अपने पैरों पर कूद रहा था और खुशी से चिल्ला रहा था, लेकिन उसने देखा कि क्राउड में से कोई उसके लिए चीयरिंग नहीं कर रहा था। क्राउड साइलेंट थी, किसी ने भी उसके रेस जीतने को नोटिस नहीं किया। राजू पूरी तरह से कंफ्यूज्ड था और चिंतित था कि किसी ने भी उसकी सक्सेस को एक्नॉलेज क्यों नहीं किया। वो टीचर के पास गया और पूछा, सब लोग साइलेंट क्यों हैं? क्या इन्होंने मेरी सक्सेस को नोटिस नहीं किया? रमाकांत जी ने राजू को फिर से उनके साथ रेस लगाने के लिए कहा, लेकिन इस बार तुम तीनों को एक साथ खत्म करो। राजू ने कुछ देर सोचा और अंधे आदमी और बूढ़ी औरत के बीच में खड़ा हो गया और दोनों चैलेंजर्स को हाथ से पकड़ लिया। रेस शुरू हुई और राजू धीरे धीरे एक साथ चला और धीरे धीरे सभी ने एक साथ फिनिशिंग लाइन को पार कर दिया। उनके चेहरे पर जेंटल स्माइल के साथ शिक्षक ने ताली बजाना शुरू कर दिया। राजू ने प्राउड और इम्पोर्टेंट महसूस किया, जैसा पहले कभी नहीं किया था। भीड़ भी बहुत एक्साइटेड थी। राजू शिक्षक के पास गया और पूछा, हम तीनों में से किसके लिए भीड़ ताली बजा रही थी? रमाकांत जी ने राजू की आंखों में देखा और धीरे से उत्तर दिया, मेरे दोस्त, इस रेस के लिए जो तुमने जीती है पहले की किसी भी रेस से कहीं अधिक जिसमें तुम दौड़े हो, और इस रेस के लिए भीड़ आप में से किसी के लिए नहीं बल्कि काइंडनेस और ह्यूमैनिटी के प्रदर्शन के लिए ताली बजा रही है। दोस्तों, आप जीवन में देखते हैं, अपने जीवन में आप किस लिए दौड़ रहे हैं? क्या आप सक्सेस के इतने भूखे हैं कि आप अपने आसपास की नीडी लोगों की मदद करना भूल जाते हैं? क्या जीतना आपके जीवन में एकमात्र इंपॉर्टेंट चीज है? मुझे बताइए, आप किसके विरुद्ध दौड़ रहे हैं? और हम जीत के बारे में इतने अंधे हो गए हैं कि हमें ये भी नोटिस नहीं करते कि हम रास्ते में क्या खो रहे हैं। क्या यही सब आप जीवन में चाहते थे? लाइफ की रेस में अपनी स्ट्रेंथ को वीक लोगों को पावर, अंधों को आंखें और नीडी को करेज देना चाहिए। रियलिटी में जीवन सभी को एक साथ जीतने के बारे में, इसे याद रखें। जब आप अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए अपने बगल में आपके चाहने वालों को पाते हैं तो जीवन अधिक सुंदर होता है। इसलिए अपने भाई, बहन, माता, पिता और दोस्त को सपोर्ट करना ना भूलें जब उन्हें आपकी जरूरत हो, जब वे वीक हो और बहुत ही दुखी हो गए हों। जीवन में सबसे बड़ी ताकत किसी और के जीवन में एक ताकत बनना है। मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जीवन आसान नहीं है, कभी आप गिरते हैं और कभी आप जीतते हैं।
जीवन की इस रेस में यदि आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको ये प्रश्न अवश्य पूछना चाहिए, इस रेस में आपके बगल में कौन दौड़ रहा था? यदि वे कमजोर और बूढ़े हैं तो क्या आपने उनकी मदद की? इसलिए दौड़ो, ये रेस कॉल्ड लाइफ है। लेकिन ये मत भूलिए कि आप जीतते हो या नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि आप इस रेस में कैसे दौड़ते हो। ये आपके लिए इंस्पायर करने वाली और आपको ताकत देने की कहानी थी। यदि आप इस कहानी पर विश्वास करते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए आई विल विन टुगेदर। देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपको अपने अगले वीडियो में जल्द ही मिलूंगा। अलविदा।